हेलो दोस्तों, हैप्पी होली आप सभी को। दोस्तों, आज मैं बिहार स्पेशल जो होली में हम लोग बनाते हैं पुआ, वो हम लोग बनाएंगे। मालपुआ की तरह ही है वो, हम लोग यहाँ पर इसे पुआ बोलते हैं। ये मैंने एक कटोरी सूजी और एक कटोरी दूध में मैंने रात भर सूजी को भिगो कर रख दिया था, और मैं उसमें अब केले मैश करूँगी। आप केला पसंद करते हैं तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। मैं यहाँ 4 केले उसमें मैश की हूँ, और ये मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है। मैदा को मैं उसमें डाल लूँगी, और चीनी भी आप जितना मीठा पसंद करते हैं, मैंने 1 कटोरी चीनी ले ली है। और दूध हल्का हल्का डालकर इन सभी को अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। इसे करीबन 5 मिनट तक आप इसे मिक्स अच्छी तरह, जितना इसे आप मिक्स करेंगे ना, ये करछी से या फिर हाथ से आप जितना इसे मलेंगे, इसे उसे उतना ही अच्छा पुआ आपका फूला फूला पुआ बनेगा। ये मैंने कुछ नारियल इसमें घिस कर डाल दिया है, और ये इलायची, 4-5 इलायची मैंने, ताकि टेस्ट अच्छा आए। और इसे फिर अच्छी तरह से मैं मिला रही हूँ हल्का सा, और मैं इसमें दूध डालूंगी। और ये देखिए मिक्स, आप दूध नहीं डालते हैं तो आप पानी डालकर भी कर सकते हैं। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, एक ना गाढ़ी ना पतली, मीडियम में ही रखनी है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, नहीं तो आपका जो पुआ है वो पूरा फैल जाएगा। ये देखिए इस प्रकार आपको रखनी है, बैटर आपको इस तरह का करके आपको तैयार कर देना है। मैंने तेल गरम करने के लिए गैस पर पहले से चढ़ा दिया है, और ये देखिए मैंने 1 कड़छी पुआ डाल कर उसमें, फ्लेम पहले हाई रखिएगा, उसके बाद जब पुआ डाल दीजिएगा तो फ्लेम हल्का सा मीडियम कर दीजिएगा, ज़्यादा लो मत कीजिएगा। और ये देखिए मेरा पुआ अब पूरी तरह से, तेल जो गर्म है ना, पूरी तरह से खोल रहा है। अब इसे मैं हल्के से एक छुलनी के मदद से हल्के से उसे छुड़ा लूँगी। हल्का सा चिपक गया है केला डालने की वजह से। और ये देखिए मेरा केला एक साइड से अब रेडी हो गया। मैं इसे पलट कर अब दूसरे साइड से भी सेक लूँगी, और मैं इसी में ही बगल में फिर मैं दूसरा पुआ का बैटर अब डाल दूँगी। और ये भी मेरा अब रेडी हो चुका है। देखिए कितना सुंदर सुंदर ये फूल रहा है पुआ। और तेल को ठंडा मत होने दीजिएगा, नहीं तो अंदर से जो पुआ है ना वो कच्चा कच्चा रह जाएगा, और बैटर ज़्यादा गाढ़ा रहता है ना, तभी भी पुआ आपका अंदर से हल्का कच्चा ही रह जाता है। आप अच्छी तरह से इसे पका लीजिएगा। आपको लाल करके पसंद है तो कुरकुरा करके पसंद है तो कुरकुरा लाल कर लीजिएगा। ये मैंने इस तरह से करके उसका तेल निचोड़ लिया है, और मेरा पुआ, दोनों पुआ मेरा रेडी हो गया है। बिहार में हम लोग ज़्यादातर आज के दिन बहुत ही पकवान बनाते हैं, और यही सब नॉन वेज भी बनता है, वेज ये सब पकवान भी बनता है। ये देखिए हमारी होली स्पेशल पुआ की रेसिपी। आप सभी को अच्छी लगे दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको और आपके सभी परिवार को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।